ये हमारी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो P6 गाड़ी है, और भाई इसके फ्लोर की प्रोटेक्शन के लिए आपको मिल जाता है आफ्टर मार्केट काफ़ी बढ़िया फ्लोर लेमिनेशन। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये है फ्लोर लेमिनेशन जो कि क्रीम कलर का आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया है, और रियर साइड में वेलक्रो स्टिक है, और ये पूरे फ्लोर के ऊपर जाके इंस्टॉल हो जाता है। ये जो चीज़ है ना, आपके गाड़ी के फ्लोर के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बढ़िया होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये जो लेदर है, इसकी क्वालिटी एकदम प्रीमियम क्लास की है। ये इसे कहा जाता है वेलक्रो स्टिक, जो कि गाड़ी के कारपेट पर जाके चिपक जाता है। ऐसे क्या होता है, जो गाड़ी के अंदर धूल मिट्टी हैं उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, और ये जो चीज़ है ना काफ़ी बढ़िया है। ये जो पार्ट है फाइबर पार्ट के अंदर जाके सील हो जाता है। तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बीच कलर का है, तो सेम कलर में आपको ये लेमिनेशन मिल जाता है बोलेरो गाड़ी के लिए। तो इसका इंस्टॉलेशन अभी हम लोग करने वाले गाड़ी के अंदर, जो कि आप देख पाएंगे ये हमारी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो B6 गाड़ी है, और इसका इंस्टॉलेशन अभी होने वाला है, इस लेमिनेशन का इंस्टॉलेशन कार के अंदर। तो गाइस, कार के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो धूल मिट्टी लग जाती है, इससे ये कारपेट है ना ख़राब हो जाता है। तो इस कारपेट के ऊपर हमारा जो लेदर सीट है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे ये धूल मिट्टी आ भी जाए तो बढ़िया गीले कपड़े से आप उसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो कारपेट है कंपनी वाला है, इसके ऊपर हमारा लेमिनेशन लगेगा। यहाँ का फ्रंट वाला पोर्शन है, तो देखिए फ्रंट की जो सीट है इसको बाहर निकाल ली गई है, और यहाँ पर अब लेमिनेशन लगाएंगे, देन उसके बाद में इसका लगने के बाद में इसका लुक आपको बताऊँगा। तो ये फ्रंट और मिडिल पार्ट के लिए एक पार्ट आ जाता है, और बैक साइड के लिए एक पार्ट आपको अलग से मिल जाता है। तो लेमिनेशन लगाने के लिए पहले सीटें निकालनी पड़ेगी, देन उसके बाद में इसका इंस्टॉलेशन होगा। ये रियर साइड है, और रियर साइड का लेमिनेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, बीच कलर का है, और ये प्रॉपर इंस्टॉल होता है रियर साइड में। तो गाइस, अभी इंस्टॉल होने के बाद मैं इसका लुक बताता हूँ। ये हमारी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो B6 गाड़ी है, और इसमें जो लेमिनेशन है ये लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे आपकी जो गाड़ी का कारपेट है वो हमेशा के लिए डस्ट प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, इंस्टॉल होने के बाद में इसका लुक मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी जो लेमिनेशन है हमारा इंस्टॉल होने के लिए अंदर जा रहा है, और रियर साइड का आपको दिखाऊँ मैं। सो गाइस, ये रियर साइड का है लेमिनेशन, देखिए यहाँ पर लग चुका है, प्रॉपर लगा हुआ है। अब इसमें क्या, धूल मिट्टी आ भी जाए तो बढ़िया गीले कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है आपकी बोलेरो गाड़ी के लिए, प्रॉपर फिटिंग है और बढ़िया भी है। अब इसके ऊपर आप मैटिंग डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, सीटें भी प्रॉपर यहाँ पर लगी हुई है, और नीचे में देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है ना लेमिनेशन बैक साइड का यहाँ पर एरिया कवर कर चुका है दोनों के। गाइस, फ्रंट वाला जो लेमिनेशन है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर भी चालू हो गया है। तो आप देखेंगे रियर वाला जो पार्ट है वो प्रॉपर याले पार्ट से अटैच हो जाता है, और ये जो है ना, ये फ्रंट मिडिल वाला और फ्रंट वाला पार्ट पूरा का पूरा इस तरीके से आता है। तो ये जो चीज़ है ना काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी की है, और प्रॉपर यहाँ पर लग जाता है। अभी जो सारे जो कॉर्नर्स है ये फाइबर पार्ट के अंदर सील हो जाएंगे, और आपका जो फ्लोर है वो हमेशा के लिए वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर देखो ये जो लेमिनेशन है ना यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, कॉर्नर्स देखो फाइबर पार्ट्स के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, और ये जो चीज़ है ना काफ़ी बढ़िया होती है भाई। तो बोलेरो गाड़ी ली है तो फ्लोर लेमिनेशन अपनी गाड़ी के अंदर जरूर इंस्टॉल करवाएं। तो यहाँ देखेंगे ये बैक वाला पार्ट है, और ये पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर ये इंस्टॉल हो गया है। तो बोलेरो B6 गाड़ी है, तो उसके लिए आपको काफ़ी बढ़िया ये फ्लोर लेमिनेशन मिल जाता है। तो बोलेरो गाड़ी के लिए आप बिल्कुल इसे प्रेफर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे गाड़ी का जो मेन कारपेट है वो हमेशा के लिए डस्ट प्रूफ रहता है और वाटर प्रूफ हो जाता है। तो गाइस, ये हमारी थी महिंद्रा बोलेरो B6 जिसमें लेमिनेशन लगाया गया। वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके जरूर बताएगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।